वेलकम टू ए स्मार्ट क्लासेस, दिस इज पूजा शर्मा, मास्टर टीचर ऑफ ए स्मार्ट क्लासेस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर क्विक नोटिफिकेशन। इफ यू वॉन्ट पीडीएफ प्लीज ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, आवर टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउन, सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। वी कैन रिप्लेस अ नाउन विद अ प्रोनाउन, हम एक नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन सेव अस अ लॉट ऑफ रिपीटेशन, प्रोनाउन सेव करता है बहुत सारे रिपीटेशन होने से, एक ही वर्ड बार बार लिखने से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ स्कूल, यू कैन सी ही इज अ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ स्कूल, मिस्टर शर्मा जो है जो कि स्कूल में काम करते हैं। ही गोज टू स्कूल इन हिज कार, ही गोज टू स्कूल इन हिज कार। यहाँ पर मैं मिस्टर शर्मा वर्क्स इन अ स्कूल, मिस्टर शर्मा गोज टू स्कूल इन मिस्टर शर्माज कार, अगर मैं ये लिखती तो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता और इट साउंड्स वियर्ड। तो मैंने मिस्टर शर्मा दोबारा रिपीट करने की जगह यहाँ पर और यहाँ पर मैंने प्रोनाउन का यूज किया है। दूसरे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तनिषा इज अ गुड गर्ल, तनिषा ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स। मैंने तनिषा यहाँ पे दो बार लिखा है। प्रोनाउन मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रोनाउन यूज किया है, उसको पढ़कर देखिए। तनिषा इज अ गुड गर्ल, शी ऑलवेज ओबेज हिज पेरेंट्स। यहाँ पे मैंने तनिषा नाम को दो बार रिपीट किया था। यहाँ पे तनिषा को मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है और उसके बाद मैंने प्रोनाउन का यूज किया है नाउन की जगह पे। मैंने तनिषा ये एक नाउन है, इसकी जगह पे मैंने प्रोनाउन का यूज कर किया है जिससे मुझे नाउन को दोबारा रिपीट होने से रोका है। आगे बढ़ते हैं, ये रही तनिषा। आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन्स आर डिफरेंट काइंड्स, प्रोनाउन डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फसाइजिंग प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन की। हम अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं। प्रोनाउन टेक्स द सेम पोजीशन एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। सेकंड, लाइक अ नाउन, प्रोनाउन आल्सो प्लेज द रोल ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ हैज अ गिटार, सिद्धार्थ हैज अ गिटार, ही लव्स टू प्ले गिटार। He takes the place of noun. यहाँ पर जो मैंने ही लिखा है, यहाँ पे मैं अगर ही नहीं लिखती, प्रोनाउन का यूज नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट ऐसे होती कि सिद्धार्थ हैज अ गिटार, सिद्धार्थ लव्स टू प्ले गिटार। तो मैंने सिद्धार्थ एक ही वर्ड को दो बार रिपीट ना करके मैंने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया है जो कि नाउन की जगह पर आया है। आगे पढ़ते हैं, अ प्रोनाउन शुड ऑल्सो अग्री विद द वर्ब इन द सेंटेंस बोथ इन जेंडर एंड नंबर। जेंडर में फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एंड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, शालिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज अ ग्रेट डांसर। अब मैंने यहाँ पर प्रोनाउन का यूज किया है शी का, जो कि फीमेल को डिनोट करती है। शालिनी जो है जो कि एक लड़की है जो कि फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, इस वजह से मैंने यहाँ पे शी प्रोनाउन का यूज किया है। आगे बढ़ती, अब मैं मस्कुलाइन के लिए क्या यूज करूंगी। आगे पढ़ते हैं, शुभम लिव्स इन माय नेबरहुड, शुभम लिव्स इन माय नेबरहुड, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पे मैंने मस्कुलाइन जेंडर के लिए ही यूज किया है। हम अगर फीमेल की बात करते हैं तो शी का यूज करते हैं और मेल की बात करते हैं तो ही का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन्स आर यूज्ड
इंस्टेड ऑफ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और आइडिया व्हेन इट इज क्लियर व्हाट और हु यू आर टॉकिंग अबाउट. पर्सनल प्रोनाउन वहाँ पर यूज किया जाता है किसी के नाम की जगह पे या किसी प्लेस की जगह पे या किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया की जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं जो जब जो आपको क्लियर हो कि आप किसकी और कब की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. दे कैन बी इधर सिंगुलर और प्लूरल, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. सम पर्सनल प्रोनाउन सर्व्स एज अ सब्जेक्ट एंड सम एज अ ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस. कुछ पर्सनल प्रोनाउन्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से सर्व किए जाते हैं इन सेंटेंसेस में. प्रोनाउन दैट रिप्लेस सब्जेक्ट नाउन्स आर कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन. जो प्रोनाउन सब्जेक्ट नाउन को रिप्लेस करते हैं उसे सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई यू ही शी इट वी दे, ये सब्जेक्ट नाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज होता है. एग्जाम्पल पढ़ते हैं शी वेंट होम. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे शी लिखा तो है शी जो कि प्रोनाउन है. अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया है और सब्जेक्ट नाउन का यूज किया होता तो क्या लिखा होता. मैंने शी, मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ यहाँ पे जिसका नाम राधा है, राधा वेंट होम. अब मैंने राधा ना लिखकर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया और मैंने लिखा शी वेंट होम. आगे बढ़ते हैं. एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन इन द प्रेडिकेट. मी यू हिम हर इट अस देम. एग्जाम्पल पढ़ते हैं ही वेंट विद राधा. अब मैंने विद हर, ही वेंट विद हर, यहाँ पे मैंने जो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज किया है. यहाँ पे मैंने लिखा है ही वेंट विद राधा विद हर. अब मैं हर जो लड़की है वो लड़की का नाम है राधा. यहाँ पर मैंने ही वेंट विद राधा भी लिख सकती थी लेकिन मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया है, हर का यूज किया. आप यहाँ पे देख सकते हैं मी यू हिम हर इट अस देम, ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई यू ही शी इट वी दे. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हम यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की. वी यूज पर्सनल प्रोनाउन डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स जेंडर पर्सन. पहले बात करते हैं हम नंबर की. नंबर में क्या क्या आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, आई ही शी इट मी हिम हर इट. प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं, वी दे अस देम. एग्जाम्पल राम वेंट टू अ पार्टी, ही एंजॉयड इट. ही इज अ राम, ये आपको राम दिख रहा है, ये एक पार्टी में गया एंड ही एंजॉयड इट, उसने पार्टी को एंजॉय किया. अब मैंने यहाँ पर क्या है, मैंने राम जो है उसको मैंने रिपीट नहीं किया. राम वेंट टू अ पार्टी, राम एंजॉयड इट, मैंने ये नहीं लिखा. मैंने यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया है, मैंने राम वेंट टू अ पार्टी ही एंजॉयड इट, मैंने यहाँ पे ही प्रोनाउन का यूज किया और स्टेटमेंट को बनाया है. और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जो ही है वो किस में आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा किस में आ रहा है, सिंगुलर नाउन में. तो यहाँ पे मैंने सिंगुलर नाउन की बात की, यहाँ पे सिर्फ मैंने सिर्फ राम की ही बात की, सिर्फ अकेला राम की ही बात की है मैंने यहाँ पे. प्लूरल नाउन के बारे में जानते हैं. चिल्ड्रन वेंट टू अ पार्टी, दे इंजॉयड इट. यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे. तो ये क्या प्लूरल नाउन में आए, ये बहुत सारे हैं इसलिए ये प्लूरल नाउन में आएंगे. प्लूरल नाउन में क्या क्या आते हैं, वी दे अस देम, और मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, दे. तो चिल्ड्रन वेंट टू अ पार्टी, चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है. दे वेंट, चिल्ड्रन वेंट टू अ पार्टी, दे एंजॉयड इट, उन्होंने पार्टी को एंजॉय किया, ये प्लूरल नाउन है.
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर में क्या क्या आ सकता है? मेल, फीमेल और न्यूटर। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शालिनी इज इन द पूल, शी लव्स स्विमिंग। अब शालिनी, आप यहाँ पे शालिनी एक लड़की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक गर्ल है। तो हम, और ये फीमेल में आती है, ये फेमिनाइन जेंडर है, तो ये फीमेल में आएंगी। तो शालिनी इज इन द पूल। अब फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं, तो यहाँ पे शी लव्स स्विमिंग। आगे बढ़ते हैं। सैम इज इन द पूल, यहाँ पे सैम, आप यहाँ पे सैम को देख सकते हैं। सैम इज इन द पूल, ही लव्स स्विमिंग। अब जो सैम है वो मस्कुलाइन जेंडर में आता है, तो ये एक मेल है जिसके लिए हम ही का यूज करते हैं, ही लव्स स्विमिंग। आगे बढ़ते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला, ये आप अम्ब्रेला यहाँ पे देख सकते हैं, एक बच्ची ने अम्ब्रेला ले रखा है। इट हेल्प अस वाइल रेनिंग, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर बारिश आ रही है तो इसने छतरी का यूज किया है। तो इट हेल्प अस वाइल रेनिंग, बारिश के वक्त हमें अम्ब्रेला बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे इट है जो कि न्यूटर, न्यूटर है, इट न्यूटर है, न्यूटर के लिए हम न्यूटर ही यूज करते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला, इट हेल्प्स अस वाइल रेनिंग, ये एक अम्ब्रेला है, ये हमें मदद करती है बारिश में। तो न्यूटर में, न्यूटर जेंडर में कोई चेंज नहीं है, न्यूटर का इट ही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम बात करते हैं पर्सन की। इट इंक्लूड्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको इस टेबल या यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे सिंगुलर की बात करेंगे और इसमें हम प्लूरल की बात करेंगे। सिंगुलर में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्लूरल में भी सब्जेक्टिव और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, मी। सिंगुलर में, सिंगुलर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और मी। प्लूरल में की अगर बात करें तो प्लूरल में फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? वी एंड अस। सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव में आई है, ऑब्जेक्टिव में मी है। प्लूरल में सब्जेक्टिव में वी है और ऑब्जेक्टिव में अस है। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में सब्जेक्टिव में यू है, सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव में भी यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर प्लूरल में हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो उसमें भी सिर्फ सब्जेक्टिव में भी यू है और ऑब्जेक्टिव में भी यू है। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में सब्जेक्टिव में ही, शी, इट, सिंगुलर में ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट, और प्लूरल की बात करें थर्ड पर्सन में तो सब्जेक्टिव में दे और प्लूरल में ऑब्जेक्टिव में देम। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे आप बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा होता है। जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है जो बात तो सुन रहा होता है, जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं।